सीतापुरा उत्तर प्रदेश में बूंदी के कांग्रेस नेता चरमेश शर्मा के स्वागत में उमड़े कार्यकर्ता। ईडी का दुरुपयोग कर लोकतंत्र का गला घोट रही केंद्र सरकार, शर्मा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी चुनाव प्राधिकरण की ओर से उत्तर प्रदेश के सीतापुरा जिले के डीआरओ बूंदी के कांग्रेस नेता चरमेश शर्मा सीतापुरा के दो दिवसीय दौरे पर है। बुधवार को सीतापुरा पहुंचने पर जीना कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शर्मा का जोरदार स्वागत किया। शर्मा ने सीतापुरा के हर विधानसभा से जिले भर में आए हुए कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से अलग अलग मिलकर संगठन के बारे में चर्चा की। जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए चरमेश शर्मा ने कहा कि वर्तमान समय में जो अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस रखता है वही कांग्रेस में है। उन्होंने राहुल गांधी को ईडी के नोटिस पर कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा प्रवर्तन निदेशालय ईडी का दुरुपयोग करते हुए लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास किया जा रहा है। शर्मा मंगलवार दोपहर को ही सीतापुरा पहुंच गए थे। मंगलवार साय से लेकर देर रात तक भी उन्होंने कांग्रेस पदाधिकारियों से फीडबैक लिया। जनता को कांग्रेस से ही सशक्त विपक्ष की उम्मीद। कार्यकर्ताओं से वार्ता करते हुए शर्मा ने कहा कि हमें संगठन में मेहनती व जमीनी कार्यकर्ताओं को आगे लाना होगा। चुनाव हारे है, हौसला नहीं। पूर्व विधायक वाजपेयी ने भी की भेंट। तो आगे की न्यूज देखने के लिए इसी तरह से बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, जो है आप सबका अपना विश्वास।